अच्छी फिल्म थी फिल्म कोंडा, देखने को मिला है। मुझे पता नहीं उनके साउथ के एक्टर हैं या पहली उनकी फिल्म है, लेकिन हाँ ठीक ठाक सा काम है उनका। नुसरत भरूचा देखने को मिल रही है साथ में, एक तो गाने वगैरह हैं वो ठीक ठाक सा है, मतलब इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बाकी फिल्म की बात करूँ तो फिल्म अच्छी है, देखी जा सकती है, ऐसा नहीं कि आपको बुरी लगेगी फिल्म या बहुत ही गजब की लगेगी कि आप रिपीट मोड पर देखेंगे, लेकिन अच्छी फिल्म है, बोर आपको बिल्कुल नहीं कर, थोड़ा बहुत हो सकता है बीच बीच में करे, बाकी ओवरऑल अच्छी फिल्म, एक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, इमोशनल एंगल भी देखिए फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है, वो उनका माँ वाला इमोशनल एंगल देखने को, फ्लैशबैक में भी फिल्म जाती रहती है, फिर वहाँ से वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, फिर वो देखने को मिलता है। नुसरत भरूचा का काम ठीक ठाक सा है, बेलम कुंडे जो लीड एक्टर उनका काम भी ठीक ठाक सा, बाकी मैं कहूँगा शरद केलकर का काम जबरदस्त है, एक तरीके से ये बोल सकते हो आपकी पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर है, जबरदस्त तरीके का उनका काम लगा, वो जबरदस्त तरीके के डायलॉग्स वगैरह भी सुनने को मिल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा है, रवि बसरूर का म्यूजिक है। थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि फिल्म थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल सी हो जाती है और फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक आपको लगी, कई लोग मतलब हो सकता है कि बीच बीच में बोर होने लगे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आए। बाकी ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो ठीक ठाक सी फिल्म है, मतलब ज़्यादा कुछ खास भी नहीं, ज़्यादा कोई बुरी भी नहीं, एक बार देखी जा सकती है और प्रॉपर फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, एक्शन इमोशन सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है और लीड एक्टर है उनका काम ठीक ठाक सा है, तो ओवरऑल ठीक फिल्म है।